सभी का आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया है। बड़ी जानकारी के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तीन तलाक बिल को पेश किया जा रहा था, अड़चने आ रही थी, लेकिन अब ये अड़चन खत्म हुई है और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर इस बिल को लाया गया था। 99 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं तो वहीं 84 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि एक लंबे समय से मोदी सरकार इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराना चाह रही थी और ऐसे में अब सरकार कि मन की बात ये हुई। महिलाओं के लिए ये खुशी की लहर है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं में जो तीन तलाक पीड़िता हैं उनमें खुशी की लहर इस बिल के पास होने के बाद देखी जा रही है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण की जो पहल मोदी सरकार की ओर से की गई थी, अब इस पर सफल होती हुई मोदी सरकार दिखाई दे रही है। हमारे साथ सलाहकार संपादक प्रताप राज जुड़ गए हैं। प्रताप जी, आपका स्वागत है। और सर, सवाल मेरा ये कि आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर, इस बिल को लेकर, चूंकि लगातार जो अड़चने पैदा हो रही थी अब वो अड़चने खत्म हुई हैं। हाँ बिल्कुल पराग, अभी थोड़ी देर पहले नसीम अख्तर, जो कि इस ट्रिपल तलाक के खिलाफ लंबा आंदोलन छेड़े हुए थे राजस्थान में, और काफ़ी महिलाओं को उन्होंने इसके खिलाफ तैयार भी किया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जो लड़ी, आज जब उनसे प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 15 दिन पहले बाद आएगा, लेकिन हमारी आज़ादी का दिन आज आ गया। तो हम समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम महिला के लिए आज का दिन और ट्रिपल तलाक का बिल पास होना कितने मायने रखता है। जब जिस आज़ादी को हमने 15 अगस्त 1947 को पा लिया, उसी तरह की उसी बराबरी की आज़ादी पाने के लिए इतने वर्ष मुस्लिम महिला को इंतज़ार करना पड़ा, और जो एक बताता है कि किस तरह से मुस्लिम महिला आतंकित थी, किस तरह से छटपटाहट थी उनमें इस आज़ादी को पाने के लिए। इसका असर क्या होगा? देखिए, हम मुस्लिम महिला की मानसिकता समझ सकते हैं। जब कोई महिला, मुस्लिम महिला, अपने घर में होती थी तो हमेशा उसके दिमाग में, उसके जहन में एक ही बात डर रहता था कि उसका जो पति आकर किसी बात पर नाराज होके, उससे खफा होके, या किसी बात को लेकर, किसी भी तरह से कोई और विषय को लेकर कहीं उससे बेरुखी नहीं कर दे, कहीं उससे खफा नहीं हो जाए, कहीं उससे नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि तीन तलाक बोल कर वो उसको घर से बाहर निकाल सकता था। हर समय उसके सिर पर एक तलवार लटकी रहती थी, वो तलवार, जो ट्रिपल तलाक की तलवार, कब उसके सिर पर गिर जाएगी वो उसे पता नहीं होता था। लेकिन आज, आज वो बड़े इत्मीनान के साथ कह सकती है कि अगर किसी ने ये तलवार गिराने की कोशिश की, ट्रिपल तलाक कहने की कोशिश की, तो वो पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज कराकर अपना हक मांग सकती है, अपना अधिकार के लिए लड़ सकती है, और अपने पति के खिलाफ भी केस करके उसे मजबूर कर सकती है इस तरह की हरकतों से बाज आने की। ये एक इतना बड़ा अधिकार है जो मुस्लिम महिलाओं को पुरुष के बराबर लाके खड़ा करता है। अब मुस्लिम पुरुष केवल अपने मन में आए सब्जी का रंग बदलने से, कपड़े नहीं धुलने से, या और किसी बात से नाराज होकर अपनी पत्नी को तलाक नहीं कह सकता। आज भी घटना है पराग जी, आज भी एक मैं देख रहा था कि एक किसी शहर में पति पत्नी के बीच कोई सड़क पे कहासुनी हो जाती है, सड़क पे खड़े खड़े पति पत्नी को तीन बार तलाक कह देता है। आज जब तीन तलाक पर बहस चल रही थी राज्यसभा में, सारे हमारे देश के नेता इस बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे कि किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आपराधिक होना चाहिए या सिविल सूट होना चाहिए, जब ये बहस चल रही थी तब एक शहर के सड़क पर एक पति अपनी पत्नी को तलाक कह के, तीन बार तलाक कह के उसको तलाक कर देता है। ये एक घटना बताती है कि किस तरह का माहौल मुस्लिम महिला को लेकर था, और निश्चित तौर पे आज एक बहुत बड़ी सफलता उन्हें मिली है, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक का बिल बार बार मोदी सरकार, ये चौथी बार लेके आई, जी जी, बार बार राज्यसभा में जाकर वो गिरा है, लेकिन इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने ये एक आश्वासन भी दिया था, एक वादा भी किया था, कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों के लिए एक भाई की तरफ से एक वादा करता हूँ कि उनके ट्रिपल तलाक का जो ये मुद्दा है, इसे मैं एक्ट बना के मानूंगा, इसको खत्म करके मानूंगा, और आज निश्चित तौर पे एक मोदी की ओर से मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा है। निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बराबरी का मौका है, बाकी देश की महिलाओं की बराबरी पर आज वो आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल प्रताप जी, लेकिन विरोध अब भी इसका हो रहा है, क्योंकि विरोध तो हमने पहले भी देखा है, अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन आज भी जैसे जिस तरह की बातें आई लोकसभा में, दो बातों को लेकर विरोध था। जो विपक्ष ये चाहता था कि पहली बात तो इस पूरे बिल को
सरकार सेलेक्ट कमेटी को भेज दे। सेलेक्ट कमेटी को भेजने का मतलब ये होता है कि लगभग एक डेढ़ साल बिल का डिले होना निश्चित तौर पे, और ये देखा गया है कि लंबे समय से ये बिल डिले होता आ रहा है, और इसलिए सरकार इस बात को लेकर सहमत नहीं थी, तो इसलिए एक तो विरोध ये हुआ। दूसरी बात यह है कि विपक्ष ये चाहता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो, क्योंकि इस बिल में एक प्रावधान है, अगर किसी ने अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दिया तो ट्रिपल तलाक देने वाले पति को सीधे जेल हो सकती है, 2 साल की सजा का प्रावधान है। इस बात को लेकर विपक्ष का कहना था कि अगर वो जेल चला जाता है तो पत्नी का गुजारा कैसे होगा, वो गुजारे को लेकर चिंतित थे, लेकिन जो क्राइम कर रहा है वो उसको लेकर वो ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद था और इसी के कारण इस बिल का विरोध भी था। लेकिन मुस्लिम महिलाओं से जिनको ये अधिकार मिला है उनसे पूछा जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिना क्रिमिनल ऑफेंस के ये बिल बिना दांत के एक जिस तरह से शेर होता है वैसा हो जाता, इस ऐसे एक्ट का कोई मतलब नहीं होता जिसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं हो, जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाए, एक सिविल सूट की तरह जिस तरह से सिविल सूट चलता है लंबा, जैसे तलाक का जो ड्राइवर्स का जो केसेस चलते हैं, अगर उस तरह से अगर ये बात होने लग जाए ठीक है तो इसका असर नहीं होगा। ठीक है, बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, पर्चे में सीधा करा दूं। जितेंद्र श्रीमाली हैं बीजेपी से नेता, जितेंद्र जी आपका स्वागत है मेरे साथ है। बजरंग दल से नेता रविंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा जी आपका भी स्वागत है। साथ ही मुस्लिम नेता अब्दुल लतीफ आरकोस है, आरकोस साहब आपका भी स्वागत है। आरकोस साहब, आप इस समय प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा प्रताप जी की बात, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, राज्यसभा से भी पास हो गया 3 तलाक बिल। जी आप देखो, हेलो, देखिए 3 तलाक का बिल पास हो गया और ठीक है, कानून तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि 3 तलाक दी भी तलाक को तलाक नहीं मानी जाएगी, एक वक्त में कोई भी 3 तलाक अगर देता है तो वो तलाक नहीं मानी जाएगी। आज कानून बन गया, अगर इस कानून का दुरुपयोग होता है तो इस दुरुपयोग का नतीजा बहुत मुस्लिम समाज के लिए बड़ा बुरा हाल होगा कि मुस्लिम समाज के अंदर मर्द तो जेल में होंगे और घर परिवार खत्म हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, तो जितेंद्र जी कतई हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, में हर आदमी को ठीक है सर, ठीक है सर, आएंगे इस पर। जितेंद्र जी, हम सबके लिए ये बड़ा बड़ा खुशी का और बधाई का एक समय है कि प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन के पर्व आने से पूर्व ही हम हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको राखी का उपहार दिया है, और आज इस बात के लिए मुस्लिम महिलाएं बहुत गर्व महसूस कर रही है कि वो जो वर्षों से मुस्लिम समाज के अंदर जो ये जो कुप्रथा थी जो कि मुस्लिम देशों के अंदर जिसके ऊपर रोक है और यहाँ पर इस देश के अंदर उसको धर्म से जोड़ करके, कुरान से जोड़ करके, इस्लाम से जोड़ करके जिस प्रकार से कुप्रचार किया जा रहा था उन सबको धता बता करके और सरकार ने इस कुरूति के ऊपर रोक लगाई है। मुस्लिम समाज में जो हमारी बहने हैं जो 3 तलाक के कारण से जो बहुत चाहे जब उसको छोड़ दो, चाहे जिस बात के ऊपर छोड़ दो, हलाला के ऊपर उसका शोषण करो, उसका देह शोषण करो, इस प्रकार की जो कुरूतियां मुस्लिम समाज में थी उन सबके ऊपर एक रोक लगाने का एक कदम मोदी जी ने बढ़ाया है और ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सबको इस बात के ऊपर बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि इस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब की बात करने केवल बातों में और भाषणों में नहीं, इसको प्रैक्टिकल के अंदर आज प्रधानमंत्री जी ने इसको कानून बना करके लेके आए। ठीक है, रविंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर। सर आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते अपने दर्शकों को। सफल होंगे अभी रविशंकर जी कुछ कह रहे हैं, चलिए ठीक है सुनवाएंगे आपको। रविंद्र जी अपनी बात पूरी करें आप। बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है ये, महिलाओं की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है, जो शोषण एक हो रहा था ये इस पे लगाम लगेगी। ये ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है कि
उनको पता नहीं वो बैठी हुई है और फोन पे ही तलाक तलाक दे दिया, तो वो बड़ा ही सोचनीय विषय है ये। और इस पे आज जो राज्यसभा में बिल पास हुआ है, हाँ। इसका पूरे देश ने स्वागत किया है, महिलाओं का इसमें सम्मान बढ़ेगा और बड़ा अच्छा ये कदम माना जाएगा पूरे देश। ठीक है आरको साहब, अब आपसे मेरा सवाल ये है, आप जिस दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये कानून तो अब बन जाएगा लेकिन अगर इसका दुरुपयोग होता है तो फिर और ज्यादा गलत होगा, मगर महिलाओं के साथ जो हो रहा था क्या वो सही था? देखिए महिलाओं के साथ जो बात कही जा रही है कि हो रहा था, मैं हो सकता है इतना बड़ा मुल्क है, छोटी मोटी घटनाएं होती रही होंगी, हर समाज में होती है, लेकिन जिस अंदाज से इसके लिए सरकार ने इंटरेस्ट लेकर और मतलब ये कि करोड़ों महिलाओं की इच्छाओं के खिलाफ इस कानून को बनाया है, मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए अगर इसका दुरुपयोग होता है तो बहुत नुकसानदेह होगा। वैसे इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश पास कर दिया कि तीन तलाक देने वाला अगर एक वक्त में तीन तलाक दे देता है वो तलाक मानी ही नहीं जाएगी, जब तलाक हुई नहीं, अगर दे भी दी किसी ने तो तलाक मानी ही नहीं जाएगी। लेकिन तो महिलाओं को तो घर से निकाला जा रहा है, अगर वो कहता है कि मैंने तलाक दे दी तो हुई नहीं। रविंद्र जी सुनिए इस एक्ट का क्या है ये पता है आपको? इस एक्ट में ये लिखा है अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक देता है तो उस पत्नी को अब अधिकार मिल गया है, अभी तक कोई एक्ट नहीं था, कानून नहीं था, अगर वो पत्नी इसके पहले अगर वो पुलिस थाने में जाती तो पुलिस थाने के पास ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके अंतर्गत वो एफआईआर दर्ज होती पति के खिलाफ, क्योंकि अब ये गैर कानूनी हो गया है, अब वो पुलिस इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। सुनिए पूरी बात तो सुनिए, आप धैर्य रखिए थोड़ा, वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, वहां जज पति से पूछेगा, जज पति से पूछेगा कि आपने ट्रिपल तलाक दिया क्या? अगर पति कहता है कि नहीं मैंने नहीं दिया तो वो जज कहेगा कि ठीक है पत्नी को ले जाओ, अगर वो कहता है मैंने ट्रिपल तलाक दिया तो कहेगा कि अंदर जाओ, क्योंकि अब कानून बन चुका है। देखिए ये इस कानून में साफ है। दूसरी बात ये है कि आप किस तरह की शंका कर रहे हैं, आपको किस तरह का खतरा है कि पुरुषों को बहुत ज्यादा खतरा है, पुरुष सारे जेल में चले जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आरको साहब जवाब दीजिए। देखिए अगर ट्रिपल तलाक है ही नहीं समाज में तो डर किस बात का है? कि तलाक देखिए सुनिए अब सुनिए आप, बगैर तलाक के भी मियां बीवी के झगड़े होते हैं, तलाक नहीं होती है उसे मारपीट करके निकाल देते हैं तो कोई कानून है नहीं उसके लिए? आज कानून है ही नहीं है उसके लिए, है ना कानून, वही कानून लागू होता है कि अगर कोई बोलता है तलाक 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 और घर से निकाल देता है तो उस पर भी वही कानून लागू होगा, जो किसी को बगैर तलाक कहे और घर से निकाल देते हैं, मारपीट कर देते हैं, अजीत साहब आरको साहब थाने में आपके और थाने में जाकर के, आरको साहब आपके जो शरीयत के अनुसार अगर किसी ने ट्रिपल तलाक कह दिया था तो उसको वापस घर में हक नहीं दिया जा रहा था। कितनी महिलाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, आज भी ये घटना हुई है, जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी ट्रिपल तलाक को लेकर, उस समय एक कस्बे के सड़क पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नाराज होकर पहले तो पीटा और फिर तलाक 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 कह दिया और उसको उसके भाई के साथ भेज दिया, ऐसी घटना आज भी हुई है। देखिए इस बात को मानना पड़ेगा कि कुछ लोग, हालांकि पूरा मुस्लिम समाज नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जो तलाक तलाक का इस मुद्दे का फायदा उठाकर और अपनी पत्नियों पर अत्याचार कर रहे थे, ये उन पर रोक लगेगी। आपका कहना है कि ये समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, तो फिर डर किस बात का? जब ये प्रचलित ही नहीं है तो आप किस तरह की डर की बात कर रहे हैं? अरे भाई इसका दुरुपयोग का डर है। किस तरह का? कौन करेगा? कौन करेगा दुरुपयोग? दुरुपयोग होगा। कौन? महिलाएं करेंगी दुरुपयोग? कौन करेगा है? कौन करेंगे? कौन करेगा है? औरतें करेंगी। यानी कि मुस्लिम महिलाओं पे आप पे विश्वास नहीं है? मुस्लिम महिलाओं पर आपको विश्वास नहीं है?
कि वो लोग मुस्लिम महिलाएं क्या उनके बच्चों को पाल रहा है, नहीं है समझे नहीं। और वो अगर उसको गलती के ऊपर रोकता है कि भाई तू गलत काम क्यों करती है, घर से क्यों निकल रही है, बगैर बताए कहां जा रही है, तो ये पूछने के ऊपर उसको उसको यानी कि आपको आपको मुस्लिम महिलाओं पे विश्वास ही नहीं है। आपका कहना है कि मुस्लिम महिला विश्वास के योग्य नहीं है, मतलब ये हुआ कुल मिलाकर यानी कि उनको अधिकार दे दिया तो आपको दिक्कत हो रही है, उनको अधिकार दे दिया तो आपको दिक्कत होती है, आपके बराबर लाके खड़ा कर दिया तो आपको दिक्कत होती है। क्या मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है? आज जब बराबरी का हक मिलता है तो आप परेशान हैं। आप उनके ऊपर आक्षेप कैसे लगाते हैं? आप कैसे आक्षेप लगाते हैं? वो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करेंगी, ऐसे आक्षेप कैसे लगाते हैं? क्या आपको अपनी बहू बहन बेटी पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपनी बहू बहन बेटी पर विश्वास नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं आप? आरको साहब एक बात बताइए, क्या आपने अभी तक कोई एक ऐसा केस सुना जिसमें महिला की तरफ से तीन तलाक दिया गया हो? आरको साहब एक बात बताइए मुझे, आरको साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है आरको साहब, आपने कोई एक ऐसा मामला सुना जिसमें महिला की ओर से तीन तलाक दिया गया हो? कोई आदमी मिसयूज करेगा तो कर सकता है? जवाब नहीं है आपके पास आरको साहब, जवाब नहीं है आपके पास। अजी मिसयूज तो सारे कानून का हो सकता है सर, तमाम कानून है, फिर भी फ्रॉड होता है, चोरी होती है, चोरी के कानून है, ठीक है, हत्या का कानून है, हत्या होती है, ठीक है। जितेंद्र जी चलेंगे, जितेंद्र जी दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं आरको साहब, आपको लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं दुरुपयोग करेंगी इस कानून का यूपी के अंदर? ठीक है आरको साहब, अब एक बार जितेंद्र के पास चलते हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। अभी कानून बनने के बाद भी मॉब लिंचिंग हो रही है? ठीक है सर, सुन लीजिए अब, ठीक है जितेंद्र जी, पांच सात दस दिन पूर्व तक जब इसके ऊपर डिबेट कर रहे थे, हाँ। और इस विषय के ऊपर जब अन्य चैनलों पे भी और यस चैनल पे भी जब डिबेट हुई थी, तो मौलाना साहब ये कह रहे थे कि साहब ये तो धार्मिक विषय है और धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज जब ये बिल पास हो गया है, जब लागू हो गया है, तब आप ये कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम महिलाएं जो है वो इसका दुरुपयोग करेंगी। अब आप ये बताइए कि जब हमको जो प्रताप जी ने बात की, मैं सब से इस बात पे सहमत हैं कि हमको हमारी बेटी के ऊपर, हमारी बहू के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर कैसे मुल्क चल सकता है, कैसे परिवार चल सकता है? तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुरुपयोग तो SC ST एक्ट के लिए भी बहुत सारी बातें कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी, परंतु समाज की स्थिति को देखते हुए वो एक्ट जरूरी था और उसको लागू किया गया। इतना विरोध होने के बावजूद भी, समाज में पूरी तरह से एक दो वर्ग बन जाने के बावजूद सरकार की मंशा ये थी कि नहीं, इस प्रकार का कानून लागू होना जरूरी है, तो उसको लागू किया गया। ठीक है, उसी प्रकार से तो ये इसको इसके दुरुपयोग के आधार के ऊपर, ठीक है, ये जो बात कही जा रही है, ठीक है, आज मॉब लिंचिंग का राजस्थान के अंदर कानून लागू हुआ, ठीक है, रविंद्र जी के पास चलते हैं, जहां से रविंद्र जी आप लग रहा है दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग होगा ये बात अगर कही जाएगी, ठीक है सर, तो ये दोनों प्रकार की बातें, ठीक है रविंद्र जी। जी रविंद्र जी, लग रहा है आपको भी मुस्लिम महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी? मैं ये लतीफ साहब से, मेरा प्रश्न है, हाँ, कि ये जो तलाक, महिलाएं जब घर में रहती हैं तो वो महिलाओं का स्वभाव रहता है कि हम तलाक ले लें, ये महिलाओं का स्वभाव रहता है कि मैं एक पति को छोड़ करके कहीं और चली जाऊं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महिलाएं ऐसा क्यों करेंगी, महिलाएं दुरुपयोग क्यों करेंगी? अरे विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति फोन पे कह देता है तलाक तलाक तलाक, व्हाट्सएप पे बैठा हुआ व्यक्ति कह देता है पसंद नहीं आया तलाक तत्त तलाक। अपन इस तलाक का विरोध कर रहे हैं, ना कि घर में जो झगड़े हो रहे हैं, कोई बात हो रही है उसका विरोध किया जा रहा है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है अपन उस तलाक का विरोध कर रहे हैं। ये जो तीन तलाक कहने के बाद की जो हलाला की व्यवस्था है उसका विरोध कर रहे हैं। ये देश में मोदी जी ने एक बड़ा स्वागत योग्य कदम उठाया है, इसका पूरा पूरा देश स्वागत कर रहा है, पूरे देश में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा और इस देश में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की चिंता जो मोदी जी ने की है वो ऐसा लग रहा है वो जो कहते हैं वो कर रहे हैं, इसका बड़ा ही हमें स्वागत है। ठीक है, अपन कह रहे हैं कि कोई गलत होता है, अगर दो लोग गलत करेंगे अपन मानते हैं, हाँ। तो वो सोचनीय विषय है कि अपन 10 लोगों को खराब कर दें उसमें। मैं बात वो विदेश में बेटा कह रहे तलाक तलाक तलाक, ये ठीक है या घर में कोई झगड़ा हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, एक पत्ता ही ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। आरको साहब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप सहमत क्यों नहीं है इस कानून बनने से? जी देखिए, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं, हाँ, कि इस कानून का जब
जो बनना चाहिए इसमें जो बातें होनी चाहिए क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए उस परिवार को कौन पालेगा, ठीक है कौन पालेगा बताइए क्या होना चाहिए उस परिवार को कौन पालेगा ये बताइए आप बताइए क्या होना चाहिए, उसके खर्चे को कौन उठाएगा, उसको उसकी जरूरतें कौन पूरी करेगा। आरको साहब ठीक है, प्रताप जी कुछ सरकार इसके लिए कोई वजीफा बांध देती कि जब तक वो जेल में रहेगा जितना वो कमाता था उसका 50% तो उसको देते कि चलिए वो 50,000 रुपए साल के कमाता था, महीने के कमाता था, आरको साहब के आधे पैसे तो आरको साहब, आरको साहब, आरको साहब भाई जब तक वो जेल से नहीं आएगा आरको साहब आप तक केवल जो है भीख मत मांगना, भीख मत मांगना, सुनिए सुनिए आपसे कम ये तो होता आरको साहब, प्रताप जी कुछ कह रहे हैं मजबूर कर दिया आपने, आरको साहब आपको केवल एक ही आपत्ति है कि गुजारा कैसे चलेगा महिला का, यही है ना या और कोई भी है? बिल्कुल बिल्कुल ये है, यही आरको साहब आप बताइए ये है बिल्कुल, जब परिवार खत्म हो जाएगा, सड़क पर लात मारकर 3 तलाक कह के अपनी पत्नी को निकाल दिया जाता है तो उसका गुजारा कैसे कौन करता है? ये पति करता है, जो आप देते उसका पति करता है, आप लोगों ने जिम्मेदारी ली कभी? किस तरह से भूखे मरने को मजबूर है इतने बड़े मुल्क में? कैसी बातें करते हैं आप? कभी आपने महिलाओं की सुध ली? कभी आपने किसी तलाकशुदा महिला की सुध ली? जिन महिलाओं के ऊपर गुजरी उसकी कभी सुध ली? आज बड़ी महिलाओं के नाम पर, उनके गुजारे के नाम पर आज आवाज उठा रहे, आपको शर्म नहीं आती इस बात को लेकर कि जब वो ट्रिपल तलाक से पीड़ित थी तब आपने कभी आवाज नहीं उठाई? तब क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? जब वो भूखा मरने को मजबूर थी तब क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? आपने क्या किया? आपने ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए क्या किया बताइए आरोको साहब? ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए आपने क्या किया अपनी ओर से? तो खर्चा भी दीजिए, कैसी बातें करते हैं आप? स्वागत करते हैं आप, खर्चा दीजिए, स्वागत करते हैं, आपने सवाल सुना नहीं, आप खुद ही बोलना चाह रहे हैं, दूसरों को ना सुनना चाह रहे हैं और ना ही जवाब देना चाह रहे हैं। आरको साहब अभी प्रताप जी ने कहा कि जब मुस्लिम महिलाओं को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है तब आपको ये ख्याल नहीं आता कि उनका भरण पोषण कौन करेगा? तब आपको ये समझ नहीं आता कि उन महिलाओं की सिद्ध कौन लेगा? आप मुस्लिम समाज के नेता हैं, क्या आपने इस मुद्दे को लेकर महिलाओं की आवाज को कभी बुलंद किया या सिर्फ हमेशा महिलाओं को दबाने का काम किया है? ये मुस्लिम समाज के अलावा किसी और महिला के साथ नहीं होता क्या? उनके लिए क्या? अजी आप तो अभी मुस्लिम समाज की कही है, आपने अभी तो मुस्लिम समाज की कही है, अभी तो ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम समाज में ही है ना, बाकी किसी समाज में नहीं है। मुस्लिम को आप इस तरह, बाकी किसी समाज में नहीं है ट्रिपल तलाक तो मुस्लिम समाज में ही है। हमारे परिवार रोड पे आएंगे और बाकी में तो बच्चे भी, बाकी में तो 498 है, बाकी में तो 498 है, कमाने वाला जेल में होगा और उसके बच्चे भीख मांगेंगे। आरको साहब आप देंगे मैं दूंगा, इस मुल्क के ऊपर बोझ बनेगा। नहीं सुनिए, अब आप एक लाइन रटकर आए हैं और उसी लाइन को बार बार बोल रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं बन रहा है। जब मुस्लिम महिलाओं को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, चाय में चीनी कम होने पर 3 बार तलाक बोल दिया जाता है, सब्जी में नमक नहीं होने पर 3 बार तलाक बोल दिया जाता है, तब उन महिलाओं की सुन लेने वाला कोई नहीं आता। अब आप यहाँ पर बैठकर बहस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तलाक तलाक नहीं मानी जाएगी, हाँ तो इसलिए कानून बनाए, कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है हिंदुस्तान? आप इसलिए कानून बनाए, आप नहीं चाहते, एक मिनट, आप नहीं चाहते महिलाओं का सशक्तिकरण हो, आप नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं भी सशक्त बने? आरको साहब आप नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं भी सशक्त बने? कोर्ट में गई है और उनके आधार पर सरकार ने सुनाए, हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का ही मसला है, बाकी कोई समाज यहाँ रहता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे निर्णय दिया है, सारी औरतें बड़े मजे में। आरको साहब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे निर्णय दिया, सरकार को निर्देश दिया कि इस पे कानून बनाओ, मान लिया ना हमने, तो आप मान लिया हमने, फिर क्यों आपने कानून बनाया तो कानून अधूरा क्यों बना रहे हैं आप? क्या आप खर्चे के साथ बनाए आप कानून में? क्या चाहिए भाई इतना खर्चा हम देंगे? ये ना एक लाइन रटकर आए हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं, बोल रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, जितेंद्र जी ठीक है, जितेंद्र जी अब मुस्लिम महिलाओं की फिक्र हो रही है यहाँ पर कि उनका भरण पोषण कौन करेगा अगर पति जेल में जाएगा, लेकिन जब 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था तब चिंता नहीं होती थी मुस्लिम महिलाओं की? देखिए बिल्कुल सही बात है ये, और जो बात ये आरको साहब कह रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 तलाक के ऊपर सबसे पहले तो मुस्लिम समाज की महिलाएं ही
उन्होंने बहुत लंबी बरसों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और बरसों तक कानूनी लड़ाई लड़कर के सुप्रीम कोर्ट तक इस प्रकरण को बरसों तक लेके गए। ये कोई आज का विषय नहीं है या मोदी जी को बैठे बैठे मुस्लिम समाज की महिलाओं के बारे में ख्याल आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर के और वहां तक ये मामले को लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब तीन तलाक अवैध है, जब ये निर्णय दे दिया, जब ये निर्णय हो गया, उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति तीन तलाक कह रहा है और तीन तलाक के आधार पर उनके तलाक हो रहे हैं और घर से बाहर निकाल करके मुस्लिम महिलाएं भीख मांगने पर मजबूर हो रही है, तो वो महिला जाकर जब थाने में ये कहे कि साहब मेरे को कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, उसके बावजूद इस व्यक्ति ने, मेरे शौहर ने मेरे को तीन तलाक कह के मेरे को घर से निकाल दिया, हाँ। तो आप ये देखिए उसकी कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं। जब इस प्रकार की विसंगति समाज के अंदर पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक्ट को इनलीगल घोषित कर दिया, हाँ। गैर कानूनी घोषित कर दिया, हाँ। और उस गैर कानूनी कार्य को करने वाला व्यक्ति कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं हो सकता, कोई दंड नहीं दिया सकता, तो यह बड़ी विसंगति पैदा हुई। इस विसंगति को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के अंदर ये तीन तलाक की जो कुप्रथा थी वो इसके लिए बिल लेके आए। आपको साहब समझ आई बात? आज विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ठीक है जितेंद्र जी, आपको साहब बात समझ आई? आपको वो लोग हैं जो दो 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 जिनके मन के अंदर बातें ठीक है, ठीक है। आरको साहब समझ आई बात? क्यों ये कानून बन रहा है? कि पहली बात तो ये कि जो जो इस तीन तलाक को धर्म से जोड़ करके मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, पहले नंबर पे वो लोग, और दूसरे नंबर पे वो कि तीन तलाक और तीन तलाक के बाद में जो हलाला की प्रथा है जिसका घोर शोषण हो रहा है, हलाला के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ में घोर अन्याय हो रहा है, उसका दुरुपयोग करने वाले, इस हलाला की प्रथा का दुरुपयोग करने वाले ठीक है उसके बाद में ब्रेक पर जाऊंगा। ठीक है आरको साहब, वो लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है आरको साहब, हमारे दोस्त वकील साहब को शायद पूरी तरह नॉलेज नहीं है, हाँ। इसलिए पूरी नॉलेज है, तभी तो यह है कि आप मुस्लिम महिलाओं को सड़क पे छोड़ दिया। ठीक है सुन लीजिए, और उसके बेचारे का कोई वो बोलने वाले नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। अरे भाई जवाब तो, ये लड़ाई मुस्लिम महिलाओं ने लड़ी है। ठीक है सर सुन लीजिए एक बार, मुस्लिम महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है, ये कोई दूसरे समाज के लोगों ने नहीं लड़ी। आपके सवाल का जवाब तो सुन ले, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। अब आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं, ये सुनना नहीं चाहते सर। रविंद्र जी एक बार आरको साहब को सुन लेते सर, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ठीक है आरको साहब बोलिए। देखिए मेरा ये कहना है, इनका कहना ये है कि वो तलाक दे देता है और वो कटोरा लेके भीख मांगती है, हाँ। इस तीन तलाक के मामले में कि साहब उसने तलाक दे दी और वो तलाक हो गई और वो भीख मांग रही है, इनका कहना ये है। मेरा ये कहना है कि जिस औरत की तलाक हो जाती है वो औरत अपने माँ बाप को, माँ बाप के यहाँ रहने का उसे अधिकार होता है, और वो माँ बाप कौन से अधिकार आजकल कौन से माँ बाप के पास रहेगी? पूरी बात, माँ बाप की खुद की स्थिति बहुत खराब होती है। सुनते क्यों नहीं हो? किस प्रकार की बात आप किस प्रकार का आर्ग्यू कर रहे हैं? तलाक नहीं हुई, आप किस प्रकार आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई तीन तलाक हो जाए तो वो अपने माँ बाप को छोड़ दे? तेरी तलाक हुई नहीं, बातें कर रहे तुझे हम कैसे रख लेंगे? तेरी तलाक नहीं हुई, अब उसको चाहे तो खाए क्या? आरको साहब, आरको साहब तो खाए क्या? उसका आरको साहब जेल में, आरको साहब, आरको साहब आपका तलाक दे, सुनिए सुनिए पूरी बात सुन लीजिए आप, हाँ बहुत बताइए बोलिए। आरको साहब आपका कहना है कि अगर ट्रिपल तलाक से पीड़ित कोई महिला है तो अपने माँ बाप के पास रह सकती है, यही ना आपका कहना है? आपका यही कहना है ना, ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिला अपने माँ बाप के पास रह सकती है? हक है उसको, राइट है उसको, हक तो इसमें भी है, माँ बाप के पास इसमें भी है, इसमें भी केस करने के बाद, इसमें भी जब उसका पति जेल जाएगा, इसमें भी जब उसका पति जेल जाएगा तो अपने माँ बाप के पास रह सकती है? इसमें भी जब उसका पति जेल जाएगा, अलग हटके बात कर रहा हूं, इसमें भी जब उसका पति जेल जाएगा तो अपने माँ बाप के पास रह सकती है? उसका जवाब दे रहा हूं, क्या माँ बाप भगा देंगे उसको? वो ये होता था जो समझ रहे आप, कि अगर उसने तलाक दे दी, इस कानून से पहले की बात कह रहा हूँ, अगर उसने तलाक दे दी तो माँ बाप के पास तो कानून के बाद ही होगा ना आरको साहब, तो अब क्या दिक्कत है? कानून के बाद ही होगा, तो अभी माँ बाप क्या कानून में क्या उस बिल में ये लिखा हुआ है कि वो मुस्लिम महिला अपने अपने भाई के नहीं जा सकती, अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकेगी? क्या बात कर रहे हैं सर आप? भीख मांगेगी क्यों? अपने माँ बाप के पास जाने में क्या है? क्या इस कानून में रोक लगाई है मायके जाने में? क्या कानून में मायके जाने में रोक लगा दी है क्या? अरे भाई तलाक होती तो क्या मायके जाने में रोक लगा दी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं क्या औरंगजेब के जमाने की बातें कर रहे हैं?
क्या पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं सर? जवाब जवाब नहीं है, नया जमाना आ गया। आप भी जवाब दे साहब, इस तरह से कठपुतलापन छोड़िए, नए जमाने के साथ आगे बढ़िए। कब तक अपनी बुरी आदतों से जकड़े रहेंगे? समाज को बाहर निकालिए। ठीक है, नहीं आरके साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, दो चार लाइन रट कर आए, उसी वही लाइनों को बार बार आप बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर रहेंगे।